तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम दो शूज़ का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि मैंने मीशो से मंगाया था बहुत ही कम प्राइस में। जब मैंने ये पैकेट को ओपन किया तो इसके अंदर दो बॉक्स मिले थे जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो एकदम टूट फूट गए थे, टूटे नहीं थे मतलब एकदम पचट गए थे, वो बॉक्स बॉक्स नहीं रहा था। तो ये दोनों बॉक्स मुझे रिसीव हुए हैं, तो इसके अंदर वो दोनों शूज़ है, एक स्नीकर टाइप है और दूसरा जूती है। ओके, तो दोनों ब्लैक कलर में है। तो पहले हम कौन सा देखें? ओके, पहले हम वो वाला देखें। तो इसको मैंने जब ओपन किया तो ये अच्छा था, ब्लैक कलर का न्यू था और न्यू ही रहता है, लेकिन मैं बता दूँगी अभी, ये न्यू था और ये इसका मटेरियल भी ठीक था जैसे कि इसका प्राइस था। ओके, तो इसको हम करते हैं साइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो जूती की जो कि पुरानी हुई है, मैंने पैसा न्यू कर दिया, मुझे पुरानी रिसीव हुई है और ऐसे लग रहा है इसको कोई यूज़ करके रिटर्न कर दिया। इसका जो अंदर का वो होता है बहुत ही गंदा था, डर्टी था और उसके ऊपर भी धूल लगी हुई थी, ऐसे लग रहा है कि कोई चला वाला है फिर उसको रिटर्न किया। तो मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाई हूँ और फिर मैं इसको पिक में दिखा देती हूँ। देखिए पिकनी क्लियरली दिख रहा था कितना गंदा है, उसकी साइज़ भी बहुत बड़ी थी, 6 नंबर था लेकिन इसकी साइज़ बहुत बड़ी आई थी मुझे। ओके, तो ये सेकेंड वाला था शूज़, ये परफेक्ट था, इसकी साइज़ भी परफेक्ट थी और दिखने में भी ठीक ठाक लग रहा था। अगर आपको और भी ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरी अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमको मिले।